महाराणा प्रताप को हम लोग याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, और हर साल करते रहे। बीच में दो तीन साल तक संजय जी आयोजित करते रहे हैं, बीच में दो तीन साल जो है कोरोना के कारण नहीं हो पाया, दो साल अब इस साल फिर आयोजन हुआ है। तो इस दिन हम लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उनके शौर्य के, उनके वीरता के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए। महाराणा प्रताप ने कभी आज तक झुकना और समझौता करना पसंद नहीं किया, संघर्ष किया पूरे जीवन, और संघर्ष के बल पर उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। सर, आलोक मेहता ने कहा 10% वाले लोग पहले दलाली किया करते थे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। चाहे समाज का कोई वर्ग, चाहे वो किसी जात से ताल्लुकात रखता, सबको सम्मान देने की बात। मोबाइल में घुसा, समाज को आपस में विभाजित कर समाज का अच्छा स्वरूप कभी नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए हम लोगों की मान्यता है समाज को जोड़ने का, और सभी लोगों को एक साथ लेकर के समाज का और राज्य का विकास करें। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है कि जदयू पार्टी कमजोर हो रही है, बीजेपी के कोई नेता यदि भ्रष्टाचार बस कहीं भेंट होती है, लेकिन कोई नेता बीजेपी के नेतक के संपर्क में इस ढंग से नहीं है। पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है, नेता नहीं, पार्टी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम है। सर, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि सही समय उनसे बात हुई? उपेंद्र से भी मेरी बात हुई, और पार्टी के मजबूती के लिए वो सारा शक्ति। ठीक है, थैंक यू सर।